Us have got a lot of fun doing this, so yeah, that's all. Man, Priya Warrior is trending on social media. Definitely, she's one, I think, talented girl. And I've seen, मैंने खुद वो देखा है, उनका जो scene देखा है, and I feel that that's a beautiful scene because there's a reason वो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही trend कर रही है. The way she has done it, I personally liked it. So you know, it's I've also like seen it a lot of times, Priya Prakash, and I think that's beautiful. She's a beautiful girl. I wish the all the very best for her. Though we don't know each other at all. I have no idea. I had no idea who was she till the time she was trending on social medias. But looking at her, I think she has great potential because the entire industry has been supportive through her, to her. And there's a support from my side also. Maybe it's just a small support, but definitely it's a great support. And I wish all the very best to her. So yeah. ना पड़ता है आप भी एंकर कर रहे होते हो तो आपको देखना पड़ता है लिपस्टिक ऑन पॉइंट है या नहीं है सूट ऑन पॉइंट है या नहीं है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रिया वॉरियर बहुत ट्रेंड कर रही हैं दैट इज ट्रू पर वो ट्रेंड कर रही हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते तो ऋषि अंकल ने भी बोला है कि काश आप पहले ट्रेंड कर रही होती तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी नाइस टू सी समवन who's so young and so talented and Priya is getting such a good opportunities now apparently usko maine unko maine ek video dekha jahan wo gana ga rahi hain kitna kamal ka gana gaati hain wo so I think there's so many qualities in each and every artist of us and I'm so glad that Priya is getting a chance to showcase so much more but I think the boy who was in the video was equally so good par ye kehte na hamare yahan ladkiyon pe bahut dhyan dete hain bechara wo sideline mein ho gaya lekin usne bhi bahut acha kaam kiya I think both of them are very very good and I'm looking forward to watch the film and seeing how this film will turn out to be thank you guys main cheez hai agar media nahi hai to hum nahi hai to aaj media ka din hai media is the best if no media no Akash media rocks aaj media rocks hai yahi hai aaj din aaj media hai we love the media Is that all you wanted? तुमने इतने सारे माइक लेके आए हो और यही बोलने का था मुझे ओ हाँ रेडी हो जाओ सब लोग सुनो और ये सब जगह पोस्ट करना मेरा गाना भी बैंग बैंग आ रहा है आगा द गर्ल्स जैसा बता एक ही फोड़े मीडिया रॉक्स ऑलराइट बस अभी आने वाला गेट रेडी फॉर इट इज गोना बी कमिंग आउट सून यू एंजॉय इट लव और सपोर्ट आप जैसे देते हो प्लीज देते आओ क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ सो आई लव एवरीबॉडी यू नो इट ओके Akash योर रॉक स्टार्स ओवर एंड आउट थैंक यू बाय थैंक यू सो मच यू गॉट इट ब्रो आई लव यू गाइस गुड लक शॉट्स मॉडल्स के लिए नाइट रखी जाती थी एक्टर्स के लिए रखी जाती थी और हमको बनाने वाले लोग आप ही हैं अच्छा भी लिखते हैं और कभी कभी बहुत बुरा भी लिखते हैं आप लोग लेकिन होना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप ही की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को हमारी न्यूज़ पता चलती है तो अच्छा है कि आप लोग के लिए कैलेंडर लॉन्च हुआ और सारे रिपोर्टर्स ने हमें इनवाइट किया हमने उनके साथ रैंप वॉक किया तो बहुत बहुत अच्छा लगा पहली बार शायद ऐसा हुआ है तो मज़ा आया जी इसके अलावा आपसे इंशाल्लाह मैं कलर्स जैसे कि मैंने बोला है कलर्स मेरा मायका है तो मैं कलर्स के साथ काम करूंगी और बाकी मैंने पहले भी बोला है कि मैं साउथ के अंदर ही स्टार्टिंग करूंगी अपने काम की जो भी रहेगा और बाकी इवेंट्स तो होते ही रहते हैं और ये सब तो चलता ही रहता है लेकिन मेरा काम अगर स्टार्ट होगा मूवीज़ का तो सिर्फ साउथ में होगा और कलर्स के अंदर मैं सारे जो भी रियलिटी शोज़ मिलेंगे वो सब करूँगी किस तरह की हम देखेंगे आरसी जी को आपको किस तरह का मैं चाहिए मैं कैसे अच्छी लगूंगी बताओ हॉट ग्लैमरस बन जाऊंगी क्या दिक्कत है आप बताइए कब तक ये मैं देखिए कलाकार ऐसा होता है जो हर तरीके का रोल करना पसंद करता है तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में चाहूँगी कि मैं हर तरीके के रोल्स करूँ ताकि मुझे कभी ये ना लगे कि मैंने ये नहीं किया मैंने वो नहीं किया तो मैं सब करना पसंद करूँ ये डिजाइनर जो है मेरा मोबाइल फोन उठाना जरा मेरा सेल फोन देना और बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आ रहा है उनको देख के और वो जो इतना चिढ़ाते थे ना कि वो मेकअप थोप कर और चीज़ें करके कितना टाइम लगा अब सबके सब इतना टाइम लगा रहे हैं सजने संवरने में कि आई थिंक इट्स किक एस आपको देखना चाहिए उन लोगों को Absolutely. I have just stepped into my actor shoes. Wow. So till for 11 years, मैं पीछे कैमरे के पीछे था आज कैमरे के आगे आ रखा हूँ
उसी तरह से बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। आई एम होपिंग इनमें से एक रिपोर्टर को बिग बॉस में डालना चाहिए, बोल जो भी बेस्ट लग रहा हो ना और जिसका एटीट्यूड सुपर्ब हो उसको डालना चाहिए, बहुत मजा आएगा। आपके हिसाब से इसमें जितने भी इस इवेंट में जितने भी मीडिया वाले आए उनमें से कौन फिट होता है बिग बॉस के लिए? देखिए यार, एक को मैं पिनपॉइंट करूंगा नहीं क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे क्यों यार हमें क्या प्रॉब्लम है या किसी को पिनपॉइंट करके मैं क्यों जाऊँ बिग बॉस। सो आई थिंक वो बिग बॉस वालों को डिसाइड करने दो कि किसको जाना चाहिए, बट आई थिंक इट्स सुपर फन यार। सो इन सबको रैंप पे चलते हुए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया करते हैं, और इट्स वेरी नाइस कि यार मेरा तो फिलॉसफी है लाइफ की, जब भी आप थोड़ा सा डाउन हो कपड़े अच्छे पहनो, फुल फ्लेजिडली गुड दिखो, अच्छा खाना खाओ, और जिसको प्यार करते हो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बेस्ट कोई चीज़ होती नहीं है। सो सजना संवरना तो बहुत बहुत सुपर होता है, बहुत फैंटास्टिक होता है। मैं ये बोलना चाहूँगा जसवीर और वर्षा, आई थिंक यू कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया एंड आई होप दैट नेक्स्ट ईयर इट बिकम्स इवन बिगर एंड लॉट मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन इट एंड लॉट मोर एक्साइटिंग थिंग्स हैपन। हर बार पहले इवेंट में कुछ ना ऊपर नीचे होता रहता है, आई होप सेकेंड इवेंट आपका और सुपर सक्सेसफुल जाए एंड ऑल माई विशेज। फिर मेरा लुक तो यार मेरी जो स्टाइलिस्ट हैं वो थोड़ा सा मुझे सर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए थी कि सस्पेंडर्स लुक करते हैं और आप सूट्स बहुत पहन रहे हो, तो फिर आज मैंने डिसाइड किया कि मैं सस्पेंडर्स लुक करूं विद अ लिटिल जोधपुरी जूतीज अलॉन्ग विद इट एंड अ बो। सो आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग क्योंकि मेरे को इतनी आदत नहीं है ना, तो अब मेरी एक टीम है जो कि मुझे ऐसे कपड़े वपड़े पहनाती है अच्छे और डिसाइड कर दिया आप ये लुक करोगे। तो आई थिंक इट्स फन, इट्स ऑलवेज नाइसर लाइक आई सेड अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना और कुछ नया करना एज आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट केवल एक्टर्स नहीं होते, रिपोर्टर्स भी आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स भी आर्टिस्ट होते हैं, हर किसी को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे पीछे जाना चाहिए और बहुत मजा आता है। एंड ऑफ कोर्स अब तक आप कैमरे के पीछे थे, अब कैमरे के आगे तो लुक्स का आपको बड़े बहुत ध्यान देना पड़ता है यार, आप लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है, आप भी एंकर कर रहे होते हो तो आपको देखना पड़ता है लिपस्टिक ऑन पॉइंट है या नहीं है, सूट ऑन पॉइंट है या नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिया वॉरियर बहुत ट्रेंड कर रही हैं, दैट इज ट्रू, पर वो ट्रेंड कर रही हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऋषि अंकल ने भी बोला है कि काश आप पहले ट्रेंड कर रही होती। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी नाइस टू सी समवन हु इज सो यंग एंड सो टैलेंटेड एंड प्रिया इज गेटिंग सच अ गुड अपॉर्चुनिटीज नाउ अपेरेंटली। उनको मैंने एक वीडियो देखा जहाँ वो गाना गा रही हैं, कितना कमाल का गाना गाती हैं वो। सो आई थिंक देयर सो मच सो मेनी क्वालिटीज इन ईच एंड एवरी आर्टिस्ट ऑफ अस एंड आई एम सो ग्लैड दैट प्रिया इज गेटिंग अ चांस टू showcase so much more, but I think the boy who was in the video was equally so good. पर ये कहते ना हमारे यहाँ लड़कियों पर बहुत ध्यान देते हैं, बेचारा वो साइडलाइन में हो गया लेकिन उसने भी बहुत अच्छा काम किया। I think both of them are very very good and I'm looking forward to watch the film and seeing how this film will turn out to be. Thank you guys, thank you so much, thank you. इन्होंने सवाल पूछ लिया ऑलरेडी। कैसा रहा क्योंकि आप अंदर से आ रहे तो अंदर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट ने रैम्प वॉक किया, मैंने संयुक्ता के साथ वॉक किया रैम्प, इट वाज रियली ग्रेट। यू नो मतलब हम मिलते रहते हैं बट ये एक वन ऑन वन कनेक्ट लगता है विच इज़ अ गुड थिंग। जो परसेप्शन होती है कभी कभी के बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ हम खाली फ़ोन पे बात करते हैं, हमें पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिलता, आज मैं मिली और परसेप्शन काफ़ी चेंज हुआ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट खाली यू नो स्क्रूटिनाइज करना जानते हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे हैं वो इन पर्सन। शूटिंग जी आज ही मैं सुबह लैंड की हूँ बॉम्बे में, बैंकॉक से हमारी शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है, अभी हमारा आई थिंक वी आर डन विद 30% ऑफ द फिल्म आई गेस, बट देयर इज मोर टू कम एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट शेड्यूल अबू धाबी में होने वाला है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शूट देयर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आप हैं सलमान खान के, ये एक सवाल ना बहुत डरावना होता है। नहीं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि सलमान को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, ये फिल्म के अंदर मुझे पर्सनली जो जिन्हें जानने का मौका मिल रहा है वो है बॉबी और साकिब, जैकलीन को मैं बहुत पहले से भी जानती हूँ, तो उनके साथ एक मेरा केमिस्ट्री ऑलरेडी है, पर बॉबी और साकिब को मैं फर्स्ट टाइम मिली एंड दे आर एब्सोल्यूट स्वीट हार्ट्स एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, यू नो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू वॉच इट एक्चुअली।
मैंने जो आउटफिट पहना है वो शेरी डी का है एंड इट्स अ नाइस प्रिंसेसी आउटफिट. आई लाइक द पास्टल कलर इन इट एंड या इट मेक्स मी फील प्रीटी. थैंक यू. अबू धाबी जो आपका शेड्यूल नेक्स्ट शेड्यूल है उसके लिए कितनी एक्साइटेड आप? बिकॉज़ ब्यूटीफुल लोकेशन. ब्यूटीफुल लोकेशंस तो खैर क्योंकि खूबसूरत होती है इसलिए हम अब्रॉड जाते हैं शूटिंग के लिए, पर ये फिल्म में पर्टिकुलरली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है एक्शन करने में, क्योंकि ज़्यादा करके एक्ट्रेसेस जो होती है फिल्म्स में उनको घूसे मारने नहीं मिलते, उनको स्टंट्स करने नहीं मिलते, और रेस एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर हम फीमेल्स को भी ये मौका मिलता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एक्चुअली. थैंक यू.